स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर पर, इंग्लिश वोकैबुलरी पर एक ऐसा लेसन रखने जा रहा हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट इन यूजेज। स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय कंफ्यूज करते रहते हैं और पता नहीं चल पाता कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और सबसे पहले हमने सेम मीनिंग के शब्दों को लिया है, एबिलिटी और कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, एबिलिटी होता है योग्यता, मेंटल और फिजिकल पावर ऑफ ए डूअर। एक काम के करने वाले की मेंटल और फिजिकल पावर, मानसिक और शारीरिक योग्यता, शक्ति। जबकि कैपेसिटी होता है अक्षमता, पावर टू रिसीव, यानी किसी चीज को प्राप्त करने की अक्षमता। कंटेन, यानी कंटेन मींस इसमें, इस बर्तन में इतनी अक्षमता है, इस कमरे की सीटिंग पावर इतनी है। प्रोड्यूस, पैदा करने की क्षमता ये है। तो स्टूडेंट्स, एबिलिटी और कैपेसिटी के मीनिंग्स जो हैं वो लगभग सेम है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं तो इनके मीनिंग्स बदल जाते हैं। स्टूडेंट्स, एबिलिटी रिलेट्स टू मेंटल और फिजिकल पावर टू डू समथिंग। एबिलिटी कैन बी अक्वायर्ड स्टूडेंट्स, यू मे टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ही हैज रिमार्केबल एबिलिटी एज एन ऑथर। उसके पास एक राइटर की रिमार्केबल, राइटर के लिए एक रिमार्केबल एबिलिटी, एक योग्यता है। तो ये स्टूडेंट्स मेंटल और फिजिकल पावर ऑफ ए डूअर होता है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, वी कैन से capacity denotes the power to receive, contain or produce, as we can say, for example, the sitting capacity of the hall is 2000. तो देखिए, the sitting capacity यानी अक्षमता जो है वो 2000 है। इस हॉल की में बैठाने की, व्यक्तियों के बैठाने की अक्षमता जो है तो वो 2000 है। On the other hand, we can say students, capacity when used with persons means power to learn, छीखने की क्षमता, or absorb. Students, it is mental and not physical. That is capacity, students. His capacity, we may take an example, students. His capacity for remembering things is extraordinary. Example, हम ले सकते हैं students, his capacity for remembering things is extraordinary. उसके बाद में हम आते हैं students, abstain और refrain. Abstain students किसी वस्तु से परहेज होता है, जबकि refrain किसी कर्म से परहेज होता है। जैसे हम कहते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो जुआ एक कर्म है, जबकि किसी वस्तु से परहेज हम कह सकते हैं शराब से परहेज, ये वस्तु से परहेज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब्स्टेन और रिफ्रेन, अब्स्टेन टू कीप अवे फ्रॉम ए थिंग, किसी वस्तु से बचकर रहना। रिफ्रेन टू होल्ड बैक, यानी रोक लेना। टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से अपने आप को रोकना। ऑन द अदर हैंड वी कैन से स्टूडेंट्स, रिफ्रेन इज ए फॉर्मल वर्ड, इट जनरली इंप्लाइज द चेकिंग ऑफ ए मोमेंट्री इंक्लिनेशन। व्हेन इंक्लिनेशन होता है स्टूडेंट्स झुकाव। व्हेन यू आर इंक्लाइंड टू डू समथिंग बट चेक यूर सेल्फ, देन यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट। We may take an example, students. Will you refrain from shouting? We may take
Another example, also students, he was tempted to laugh when Mohan made an indecent remark. Indecent यानी एक अभद्र सा remark उसने दिया, but he refrained from doing it. उसने हंसने के लिए कोशिश ही की, लेकिन मोहन ने उस एक जो है अभद्र सी टिप्पणी उस पे की, but he refrained from doing it. परंतु वह इसके करने से बच गया. तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम एग्जांपल अब्सटेन और रिफ्रेन के ले सकते हैं. अब्सटेन यानी किसी वस्तु से परहेज, और रिफ्रेन जो है किसी वस्तु के करने से परहेज, यानी किसी कर्म से परहेज. ऑन द अदर हैंड, अब्सटेन इज ए स्ट्रॉन्गर वर्ड. इट एम्फेसिसेस इंटेंशनल सेल्फ डिनाइल और रिनंसिएशन ऑन प्रिंसिपल. रिनंसिएशन होता है आत्मत्याग. On principle, it also implies permanence of intention. We may take also an example, students. I abstain from alcoholic drinks. यानी abstain जो है किसी वस्तु से परहेज, यानी शराब से परहेज. इसीलिए हमने example में ये लिया है, I abstain from alcoholic drinks. उसके बाद में number 3 पर आते हैं students, altogether. Or altogether. Altogether means all persons or thing collectively. While altogether means entirely. Yani purnataya. Purnataya yani purn roop se. Jabki altogether jo hai means all person or things collectively. We may take an example, students. He packed the books, newspapers and pamphlets all together. यानी देखो सारी चीजों को एक जगह एक इकट्ठा करके पैक कर लेना. He packed the books, newspaper and pamphlets all together. We can say students, all together denotes entirely. It also means on the whole. यानी पूर्णतया यानी सब कुछ पूर्ण रूप से. We may take an example. Altogether, I do not altogether agree with you. यानी मैं पूर्णतया आपसे सहमत नहीं हूँ. हम इसे दोबारा फिर देख सकते हैं students. I do not altogether agree with you. We may take second example, student. You owe me rupees 200 altogether. You owe me rupees 200 altogether. तो देखिए students, altogether यानी means all persons or things collectively, जबकि altogether means entirely, यानी पूर्ण रूप से या on the whole हम कह सकते हैं. उसके बाद में हम आते हैं student, ache और pain पर. ache और pain जो है उसको हम ध्यान से देखते हैं students. ache means generally it lasts for a short time. ache जो होता है एक ऐसा दर्द होता है जो थोड़े समय के लिए रहता है, जबकि पेन इट इज मोर सीवियर, यह बहुत ज्यादा सीवियर होता है. एंड परसिस्टेंट देन एक यानी दर्द होता है, यह हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स. ऑन द अदर हैंड, एक इज प्रोलोंग्ड डल पेन. जनरली इट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम. इट इज कंबाइंड with head, tooth, back, ear, stomach, heart and tummy. We may take an example, students. He has a headache. While on the other hand, pain is more severe than persistent than ache. Pain is more severe and persistent than ache. It indicates suffering or distress of body or mind. We can say students, we may take an example students, he suffers from a pain in the neck. Number 5 पे हम आते हैं students, behavior or conduct. Behavior or conduct. Behavior means व्यवहार, conduct means आचरण. There is a lot of difference between behavior and conduct students. Behavior means behave towards other, दूसरों के प्रति व्यवहार.
On the other hand, conduct आचरण means moral responsibilities, यानी जो हमारी social moral responsibilities बनती हैं, उनको हम आचरण में ले सकते हैं students. Behavior is the manner in which people generally behave towards other people. In other hand, it denotes treatment shown to other people. Students, we may take an example. He behaves good to others. Second example, students, your behavior towards me shows that you do not like me. About conduct, we can say students' conduct is also behavior, but it denotes moral responsibilities. Conduct is behavior. In its moral aspects, it implies certain principles for the purpose of judging behavior. It goes without saying that there are occasions when a person is asked to produce a conduct certificate and not a behavior certificate. यानी कई बार स्टूडेंट से जब किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी इंटरव्यू में किसी पेपर के हम फॉर्म वगैरह अप्लाई जब करते हैं उसमें जब भी कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो बिहेवियर सर्टिफिकेट नहीं कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है हमें करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर कंडक्ट, नॉट बिहेवियर. रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, कि सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर कंडक्ट. यहां पर हम बिहेवियर नहीं कर सकते. ही इज ए मैन ऑफ गुड कंडक्ट. वी मे टेक एन अदर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ही इज ए मैन ऑफ गुड कंडक्ट. उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स बैक और बैक साइड पर. बैक आदमी की पीठ को हम कह सकते हैं और बैक साइड हम जो है किसी बिल्डिंग वगैरह की या किसी साइड यानी कोई भी किसी भी जगह की पिछली साइड को कह सकते हैं. बैक और बैक साइड. बैक मींस बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. ऑन द अदर हैंड बैक साइड मींस स्टूडेंट्स बैक पार्ट ऑफ ए थिंग. बैक इज द हिंडर सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द शोल्डर्स टू द हिप्स. इफ यू लाइज ऑन योर बैक, वी मे टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इफ you lie on your back, you can look up at the sky. Another important meaning of back is that part of a thing that is farthest from the front. We may take an example students, there is a garden at the back of our house. There is a garden at the back of our house. On the other hand students, backside means buttocks. To put it in another way, it is the part of human body on which one sits. यानी हम जिस पर बैठते हैं, हमारे body का वह part जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो भी backside कहलाता है. उसके बाद हम आते हैं students, accident और mishap. Accident दुर्घटना, बुरी घटना को हम दुर्घटना कह सकते हैं students, जबकि mishap यानी छोटी घटना, छोटी मोटी दुर्घटना जो होती है उसको हम मिसहैपनिंग, मिसहैप कह सकते हैं. एक्सीडेंट इट इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट. एंड एक्सीडेंट कैन बी मेजर और माइनर. एक्सीडेंट जो है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. ऑन द अदर हैंड मिसअप टू हैपन इल, आपत्ति यानी मिसहैपनिंग जिसे हम कह सकते हैं. Students, an accident is an occurrence that happens without a cause. बिना किसी कारण के घट सकता है. An accident is an occurrence that happens without a cause that can be seen at once. It is something quite unexpected. इसमें कुछ ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता है जो जिसकी आशा नहीं होती. Unexpected and unfortunate और दुर्भाग्यपूर्ण होता है. Usually it causes major injuries
इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है दुर्घटना में, और एट टाइम्स इवन डेथ, और कभी कभी मौत भी इसमें हो जाती है। एन एक्सीडेंट कैन बी मेजर और माइनर, ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। वी मे टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यस्टरडे 3 पर्सन्स वर किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट नियर द बस स्टैंड। ऑन द अदर हैंड ए मिशअप इट्स ए माइनर एक्सीडेंट, एक छोटे मोटे एक्सीडेंट को हम मिशअप कह सकते हैं, मिसहैपनिंग कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एगो और बिफोर पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एगो और बिफोर, एगो इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट प्रायर टू द प्रेजेंट, यानी एगो जो होता है वो एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम के बारे में हमें बताता है जो पास्ट में होता है, यानी प्रेजेंट से पहले। ये हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट पर प्रायर टू द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पहले के बारे में होता है, जबकि बिफोर इट बिफोर रेफर्स टू टाइम अर्लियर देन अनदर टाइम इन द पास्ट, यानी जो पास्ट में घटना घट चुकी है उससे भी पहले के बारे में बताता है, जबकि एगो प्रेजेंट से पहले के पास्ट के बारे में बताता है। आप प्रेजेंट है तो पास्ट के बारे में बताता है, जबकि बिफोर जो है वो अर्लियर देन अनदर टाइम इन द पास्ट के बारे में हमें बताता है। सपोज दैट टुडे इज 15th of August 2014, व्हेन आई से दैट आई saw him 4 days ago, इट means दैट आई saw him ऑन द 11th of August 2014, refers to a specific time in the past, it relates to a time prior to the present, यानी present से पहले के बारे में हमें इसमें पता चलता है। We may take an example, direct example students, she was here 2 hours ago, इसका मतलब वह 2 घंटे पहले यहां पर थी। He was here 4 hours ago, यानी वह 2 घंटे पहले यहां पर था, यानी वर्तमान से 2 घंटे पहले की या 4 घंटे पहले की बात हमें यहां बताई जा रही है। तो ये एगो जो है इसका ऐसे मीनिंग निकलता है। ऑन द अदर हैंड बिफोर इज यूज टू डिनोट ए टाइम अर्लियर देन अनदर टाइम इन द पास्ट। वी मे टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, आई वेंट टू मीट सोहन बट आई वॉज टोल्ड दैट ही हैड लेफ्ट फॉर पटना 4 hours बिफोर। इसका मतलब जब हम मैं मोहन से मिलने गया, जब मैं सोहन से मिलने गया तो वह पटना जो है जा चुका था, जब मिलने गया तो वो पास था और उस पास से भी पहले वो मिलने वह उस स्थान को छोड़कर जा चुका था, यानी पास्ट से भी, यानी पास्ट से भी पहले के बारे में हमें यहाँ बताया जाता है। द ट्रेन हैड ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, वी मे टेक सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पर पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इसका मतलब मैं जब स्टेशन पर पहुँचा तो वो भी पास्ट था और उससे भी पहले गाड़ी जा चुकी थी। इट मीन्स इसमें अगो में बिफोर में पास्ट से भी पहले के बारे में हमें बताया जाता है, जबकि अगो में प्रेजेंट से पहले के बारे में हमें बताया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आते हैं बाई और परचेज पर। परचेज और बाई में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन आज की सोसाइटी में बाई शब्द को छोड़कर परचेज को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया गया है। बाई जो है इट इज़ मोर इनफॉर्मल देन परचेज, वाइल परचेज इज मोर फॉर्मल देन बाय। यानी बाय जो है उसको इनफॉर्मल माना जाता है आज की सोसाइटी के द्वारा, जबकि परचेज जो है वो फॉर्मल जो है उसको माना जाता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टूडेंट, ही परचेज ए डायमंड रिंग, ही परचेज ए डायमंड रिंग। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, बाय इज जर्नल इन टर्म स्टूडेंट्स, इट इज मोर इनफॉर्मल एंड कॉमन देन परचेज। परचेज इज मोर फॉर्मल देन बाय, बट मोस्ट पीपल इन आवर वास्ट कंट्री हैव ए टेंडेंसी टू यूज परचेज इंस्टेड ऑफ बाय।
यानी बाय की जगह जो है परचेज वर्ड को जो है यूज करना चाहते हैं. परचेज इज अप्लीकेबल टू आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू एंड टेस्ट. ये हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स. वी मे टेक एन एग्जाम्पल, ही परचेज ए डायमंड रिंग. इट इज टू बी नोटेड दैट परचेज एज ए नाउन डज नॉट हैव दैट स्पेशल मीनिंग. इन दिस कंटेक्स्ट लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अदर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ही फिल्ड हिज बैग विद हिज परचेजेज. यानी उसने अपना बैग जो है अपनी परचेजेज से, यानी जो चीजें उसने परचेज की है उनसे भरा हुआ है. यानी ही फिल्ड हिज बैग विद हिज परचेजेज. यानी दिस मीन्स, दिस सेंटेंस मीन्स दैट ही फिल्ड दिस हिज बैग विद द थिंग्स दैट ही हैड बॉट. द थिंग्स मे हैव बीन बुक्स, पेंसिल्स, क्लोथिस, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सो फोर्थ. ऑन द अदर हैंड परचेज, ही परचेज ए डायमंड रिंग, ही परचेज ए टेलीविजन एक्सेट्रा. तो इस प्रकार से बाई और परचेज में कोई खास अंतर नहीं है. आज की सोसाइटी के द्वारा इन शब्दों को फॉर्मल और इनफॉर्मल बना दिया गया है. उसके बाद में हम स्टूडेंट्स आते हैं कैपेबिलिटी और कैपेसिटी. कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो एक जैसे शब्द लगते हैं, बट देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ. कैपेबिलिटी इज ए क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क. किसी व्यक्ति में एक काम को करने की एक विशेष क्षमता है. जैसे एडवोकेट के अंदर अपनी क्षमता होती है, डॉक्टर में अपनी क्षमता होती है, उसको हम कैपेबिलिटी बोलते हैं. यानी इट इज ए क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क. एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, योर कैपेबिलिटी एज ए डॉक्टर इज इनडिस्प्यूटेबल. यानी इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी जो है वो अच्छी है, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है. योर कैपेबिलिटी एज ए टीचर इज इनडिस्प्यूटेबल. तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से कैपेबिलिटी जो होती है एक किसी विशेष काम में दक्षता को हम कैपेबिलिटी कह सकते हैं. ऑन द अदर हैंड वी मे टेक एन अदर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इंडिया हैज ट्रिमेंडस कैपेबिलिटीज. इट मीन्स दिस सजेस्ट दैट इंडिया हैज पोटेंशियल फॉर ग्रेट डेवलपमेंट. कैपेबिलिटी जनरली मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क. दिस इज हाउ टू इंडिकेट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस, एक योग्यता. वी मे टेक एन एग्जाम्पल, योर कैपेबिलिटी एज ए टीचर इज indisputable. Capability when used in the plural denotes qualities, features and so forth that can be used or developed. On the other hand, capacity, power to receive, contain or produce. As we said earlier about capacity students, capacity means power to receive, प्राप्त करने की क्षमता, अक्षमता, कंटेंस शामिल होने की अक्षमता और प्रोड्यूस पैदा करने की अक्षमता. फॉर वी मे टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस बोट हैज ए कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर. तो इस तरह से किसी बर्तन की अक्षमता, या हम कह सकते हैं दिस सिनेमा हॉल हैज ए कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल. तो इस टाइप से कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एक क्षमता होती है, जबकि कैपेबिलिटी किसी एक विशेष काम को करने की योग्यता या अक्षमता को हम कह सकते हैं स्टूडेंट. व्हेन कैपेसिटी इज यूज्ड विद ह्यूमन बीइंग्स, इट जनरली रेफर्स टू देयर मेंटल और मॉरल क्वालिटीज. वी मे टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट कैपेसिटी. दिस सिग्निफाइज दैट ही इज ए पर्सन who can handle any problem or situation ably. On the other hand, second example students, his capacity for acquiring knowledge is remarkable. This means that he has striking mental power for
for acquiring knowledge.